ओए होए 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 होए, ये देखें जी शहदा ने क्या गंद मचाया हुआ है। ओए होए होए, इधर लगी हुई है, ये क्या कर रही हो? हेलो शहदा, हाँ जी, ये क्या कर रही हो? यार साफ करने है। साफ करके क्या करना है? क्या इन्हें उत्तर रखना है? नहीं, हाँ नहीं। अच्छा थी। तेरी वीडियो बना रहा है मैं कि तू तो लगी हुई है तो मैं वीडियो बना के ना तेरी मेहरबानी रही, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, अखरिया से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ठीक ठाक है। तो गाइस, आज ना मैं सारा बाहर का जो है ना समेट रही हूँ। समेट क्यों रही हूँ? क्योंकि ये देखिए इधर मैं कहना नहीं चाह रही, क्योंकि मुझे खुद को बुरा लगता है। कोई बात नहीं, तो ये मैंने बोतलें वगैरह हैं ये इनको फेंक देती हूँ, मुझे नहीं है ज़रूरत। नासर साहब शाम के रख देता है कि इनकी ज़रूरत पड़ती है, तेल वगैरह होता तो किसी चीज़ पे काम आ जाता है, इसलिए मैं अभी इनको फेंक रही हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे किसी की बातें नहीं सुननी, ठीक okay, है okay। और ये बोतल है ये भी टूटी हुई है, हाँ, ये इसकी भी मुझे नहीं ज़रूरत, ये भी फेंकनी है। और ये गटार है जो कि आपने संभाल के रखा हुआ है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं फेंकने लगी हूँ, ठीक है जी। और ये बाल्टी है, अंदर से देखें कितनी गंदी है, पता नहीं कहाँ से उठा के लाया नासर साहब। और ये मैंने कहा है साफ करके ना इसको डस्टबिन बना लेंगे, तो इसको भी मैं फेंकने लगी हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत। मेरा अपना डस्टबिन है, मैं उसी में कचरा डालूंगी। ये छोटा है ना, बहुत है मुझे। और ये सारा मैंने कहा साफ करके ना, तो कूलर वगैरह साफ कर देती हूँ, और फिर जो है ना इसको करते हैं। ये मैं बाहर साट ना देवा, ये लकड़ वाली, हाँ ये साट देने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे खुद बताएं जिस चीज की जरूरत नहीं है, जब अंदर से हमें ज्यादा था कि इनकी चीजों को फेंक दें, तो हम क्यों अपने कमरों में राश मचाइए? कहता नहीं ये इस काम आएगी, ये इस्त्री के काम आ जाएगी, ये स्टूल के काम आ जाएगा, ये डस्टबिन के काम आएगा, ये बच्चे खेल रहेंगे, तो हमने क्यों किसी की चीजें संभालनी है? फेंक देना ज्यादा अच्छा नहीं है? जैसे कि मैं बता रही थी कि कोई यहाँ पे कोई सफाई नहीं थी। अभी ये देखिए ना, यहाँ से सीढ़ियों के नीचे नीचे से हमारा मेरा हाथ नहीं गया, तो ये सारी पॉलिश वगैरह गिरी हुई है, और वहाँ पर भी। तो मैंने इतनी किया है कि मेरे हाथ फट गए थे, ये देखिए ना, ये जगह, ये अब ये है ही ऐसी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा कि मैं अभी कह रही थी कि ना मैं कहना नहीं चाह रही, मुझे अच्छा नहीं लगता खुद को भी, और फिर कमेंट भी किया जाता है कि ये बातें क्यों की हैं, ये तो घर की बातें हैं। जब घर की बातें हैं, घर में पर्सनल बातें होती हैं, तो दूसरे लोग आके यहाँ पे बातें कर जाते हैं तो वो क्यों करते हैं? पहले वो आके यहाँ पर रहें। मैंने ना बाहर का सारा जो है ना समेट समूट के अभी जो है ना मैं फ्री हो गई हूँ, और फ्री होने के बाद मैंने चेंज चुंज भी कर लिया है, और सारा कुछ समेट समूट के अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि कुछ लोग जो है ना हम पे बातें बना रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? किसी के मुंह पे हाथ तो नहीं रख सकते ना। तो जो लोग किसी की तरक्की से जलते हैं, तो उनको हम उनकी जेल से जो अंदर की जलन होती है वो ऐसे बातें करके ना बाहर निकालते हैं, तो हम उनकी ज़बानें तो नहीं रोक सकते। हम इतनी कर सकते हैं कि अपनी ज़बानों को ताला लगा के रखें, और हम किसी पे कोई बात नहीं करते, और ना ही इंशाल्लाह करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी फितरत में ये बातें नहीं हैं। जो तरक्की कर रहा है, जो भी है ना, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, ठीक है। कोई भी आगे बढ़ रहा है, कोई भी है इस दुनिया में, वो मेहनत के बगैर नहीं बढ़ता, ठीक है। हम अपनी मियाँ बीवी दोनों एक साथ खड़े हो के, एक पाँव पे खड़े हो के हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी हम तरक्की कर रहे हैं। और जिस जिस को हमारी तरक्की से जेलसी है, वो इसी तरह हमारे ऊपर बातें करके, तो जेलसी जो है ना अंदर का जो जलन होती है ना, अंदर की दिल की जो जलन होती है, वो ऐसे बातों से अल्फाजों से जहर करते हैं कि हाँ हम लोग हम ना आप लोगों से जलते हैं। तो भाई जलते हो तो जलते रहो,
हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। और जिन्होंने हमें रखा हुआ है, अल्लाह पाक उनको तरक्की दे, और अल्लाह पाक उनको इतनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे कि बस क्या ही कहूँ। और हमें वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत नेक दिल इंसान हैं। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी हम उनकी इज़्ज़त करते थे, अब हम अगर कुछ हैं तो इन लोगों की वजह से हैं। और जो लोग हम पे बातें बना रहे हैं ना, उन्होंने तो ना हमें कुछ दिया है और ना ही दे सकते हैं सिवाय बातों के, सिवाय दुख के, ठीक है ना। तो अपने दुख अपने पास रखें। तो आज है हमारा खुशी का दिन, और खुशी ये है कि मेरी बेटी की है बर्थडे, और वो गए हुए अपनी चीज़ें लेना। देखते हैं क्या लेके आएंगे, वो दिखाऊंगे आप लोगों को नई वीडियो में। तो आज के लिए बस इतनी है, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल ओशी व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहूँगी इजाज़त, और जलने वालों को हो गया सलाम।